प्रेरणा की जो बात है तो एक बेहतरीन फिल्म हमने 1920 लंदन देखी थी विक्रम भट्ट की, तो मैं वहीं से इंस्पायर्ड हुआ। तो उस फिल्म में ऐसा क्या, उस कंटेंट में आपको ऐसा क्या खास इंस्पायरिंग नजर आया जो आप उस कंटेंट से प्रभावित होकर फिल्म बना रहे हैं? देखिए, मैं थिएटर का आदमी हूँ और मुझे लगता है कि 9 जो इमोशंस होते हैं उसमें भय भी एक रस है। तो भय रस से हमें लोगों को डराना था, आनंदित करना था, मज़ा लेना था, इसलिए हमने इसको बनाया। तो आपकी फिल्म का जो USP रहेगा वो बेसिकली क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे USPs होते हैं फिल्म में, म्यूजिक पार्ट होता है, स्टोरी लाइन होती है, आर्टिस्ट होते हैं, USP क्या है फिल्म की? हमारी फिल्म का ही USP जो है डर होगा। ओके, और वैसे मेरा म्यूजिक मेरा फील्ड है, तो आपको अच्छे गाने, अच्छा संगीत सुनने को मिलेगा इसमें। और ऐसे बात कर रहे हैं तो मतलब ज़्यादातर जो फिल्म होती है, अगर हॉरर फिल्म की बात करें तो लोगों का ये होता है कि उसमें सेंसुअलिटी रहेगी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उस पर मेरा विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर एक अच्छी स्टोरी हो, अच्छा हॉरर फिल्म बनाए, तो भाई एक रस है, उसका भी लोग आनंद लेते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बल्गर करें और उस तरह से सोचें। कैसा अनुभव था इस फिल्म बनाने का, बताइए कि कहाँ कहाँ शूट किए, अपने कलाकार के बारे में बताइए और भी जो यूनिट के मेम्बर्स हैं उसके बारे में, कैसा कॉपरेशन रहा उनका? आर्टिस्टों का बहुत ही कॉपरेशन रहा। हमने इसको शूट किया ऋषिकेश में, दिल्ली में, थोड़ा मुंबई में भी किया और भी कई जगहों पर किया, थोड़ा UP में भी किया। हमारे आर्टिस्टों ने बहुत ही अच्छा अपना 100% सपोर्ट किया इसमें। तो किस तरह की चुनौती आपको फेस करनी पड़ी फिल्म को बनाने के दौरान, क्योंकि फिल्म जो भी हो, छोटा फिल्म हो, बड़ा फिल्म हो, फिल्म बनाने के दौरान चुनौती फेस करनी पड़ती है डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, तो क्या चुनौती थी आपकी? सबसे बड़ी तो चुनौती जो है फाइनेंस की होती है। ओके, जब भी आप कोई काम करते हैं तो, लेकिन खैर चुनौती तो पार्ट ऑफ जॉब है, काम तो करना है, तो चुनौतियों का सामना भी करना है, और हमने चुनौती का सामना किया और फिल्म आपके सामने है, रिलीजिंग पे है। तो जितने भी कलाकार हैं, ये सारे स्टेज कलाकार हैं, सारे रंगमंच से जुड़े कलाकार हैं, क्या कहना चाहेंगे कि क्यों प्रभावित किया आपको रंगमंच से जुड़े कलाकार को इस फिल्म में लेना? क्योंकि रंगमंच के कलाकार बहुत ही मेहनती होते हैं, उनमें इम्प्रोवाइजेशन की क्षमता होती है, चीज़ों को अपने बेहतरीन तरीके से रखते हैं, डायरेक्टर जो बताता है उससे और भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं। निश्चित रूप से वो तो बहुत ही हेल्प करता है। अगर आपने थिएटर किया है जम के, तो उसका तो हर जगह फ़ायदा मिलता है, और हमें फिल्म मेकिंग में भी इसका काफ़ी फायदा हुआ। एक तो आर्टिस्टों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, मज़े हुए खिलाड़ी मिले, मज़े हुए आर्टिस्ट मिले, तो इस तरह से उसका बेनिफिट मिला। लेकिन क्या थिएटर के माध्यम से, अगर कोई कलाकार सिर्फ थिएटर के माध्यम से अपना जीवन अर्पण करना चाहता है, तो क्या वो अभी वो पॉसिबल है, इस तरह का सिनेरियो है अभी? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं, थिएटर में ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ये बड़ी उदासीनता है थिएटर में। थिएटर में पैसा नहीं है और थिएटर को एक आर्थिक दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है, तो और नहीं उसके लिए कुछ किया जा रहा है, तो आर्टिस्ट बेचारा वो माइग्रेट करता है सिनेमा की तरफ। आप खुद बताइए, आपको कितना संघर्ष करना पड़ा था, किस तरह से आप जब इस क्षेत्र में थे, अभी भी हैं, तो किस तरह से संघर्ष करना पड़ा और कैसे उस संघर्ष से आपने एक प्रेरणा ली कि मुझे कुछ आगे करना है? देखिए, हम लोग कलाकार हैं, संघर्ष तो हमारा मतलब तो जीवन का हिस्सा है, ठीक है, चाहे वो सिनेमा हो चाहे थिएटर हो, तो संघर्ष तब भी है, आज भी जारी है, उसमें कोई बात नहीं है। तो अभी तक जो अभी आपने काम किया है थिएटर में, एक ऐसा पहलू है जो आप का यादगार पहलू हो, जो अचीवमेंट आपने किया है किसी प्लेस से खास आपका जो जुड़ाव हो? देखिए, मैं तो मैं रहने वाला हूँ असल में बिहार का, तो वहाँ की पृष्ठभूमि से एक प्ले मैंने लेके मैंने स्टार्ट किया, मैंने मंडी हाउस में, और उसके कई शोज हुए, तो बहुत अच्छा फीडबैक मिला। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भी लोगों ने उसको काफ़ी सराहा, काफ़ी सपोर्ट किया, और बहुत ही अच्छा प्ले रहा वो। जब प्ले होता था तो उसमें समझिए कि एकदम लोग पागल हो जाते थे देखने के लिए, भी लंबी भीड़ जो है SRC के सामने बाहर जो है, कई बार 200-300 लोगों को लौटना पड़ता था, तो वो हमारे लिए बड़ा ही एक एक्साइटमेंट का प्ले था, चैत का लौंडा उसका नाम था। और ये भी मानसिकता होती है लोगों की कि थिएटर के लोग थिएटर से जुड़े रहते हैं ज़्यादातर, और जो इंडस्ट्री करने वाले हैं। देखिए, एक क्या है ना कि एक बनाया गया है मापदंड कि थिएटर के आर्टिस्ट को थिएटर करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, मतलब सभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से मनोज वाजपेयी हों, चाहे नसीर साहब हों, ओमपुरी साहब हों,
लंबा एक रहा है, बहुत बड़ा नाम है, मतलब बड़े लोग आए, अनुपम साहब आए, बहुत लोग आए इंडस्ट्रीज में। तो थिएटर ने हमेशा सिनेमा को अच्छे आर्टिस्ट दिए हैं। अगर आपका सिनेमा भी आज एक बहुत बड़ा ये है, ग्रो कर रहा है, तो उसमें आपके थिएटर के आर्टिस्टों का योगदान है, क्योंकि वो जो मज़ा हुआ जो अभिनय करते हैं उसका एक बड़ा प्रभाव रहता है। तो आप सिर्फ निर्देशक फिल्म निर्देशक ही नहीं हो, गजल गायकी भी किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इतना जो बहु प्रतिभा है आप में, उस चीज़ को कैसे देखते हैं कि कितनी बहुत मैं नाचीज हूँ, ये आपका बड़प्पन है। देखिए, मैं यहाँ मुंबई में लिरिक्स राइटिंग किया, तो आशा जी ने और सब ने गाया है, अलका जी ने, उदित जी ने, तो खैर कई बहुत सारे गीत गाए हमारे। उसके बाद और सिंगिंग मेरा क्षेत्र रहा है, मैं लोक कलाकार रहा हूँ, उसके बाद फिर गजल गायकी भी हमने किया, तो उसका बेनिफिट्स हमारे सिनेमा को मिलेगा, क्योंकि सिनेमा का एक मजबूत पक्ष है तो म्यूज़िक है। तो वो जो हमारा म्यूज़िक है, आप भी इस फिल्म में भी देखें, 2001 में भी आप देखेंगे कि किसका संगीत जो है बहुत ही प्यारा है, तो वो उसका एक प्लस पॉइंट आपको हमारी फिल्मों में तो देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आगे चलकर जो भी आपका प्लानिंग है फिल्म करियर को लेकर, कुछ बताना चाहेंगे कि क्या करने वाले हैं, किस तरह से लोगों को आप? देखिए, सिनेमा ही है अब तो ज़िंदगी हमारी, और इसके बाद हम एक फिल्म जो है साइलेंट डेथ है, जो कि पॉलिटिकल है पूरी तरह से, उसमें हमारी संजय मिश्रा से और विनय पाठक, पंकज जी से भी बातचीत चल रही है, अभी विजय दास जी से भी मीटिंग हुई हमारी, तो वो साइलेंट डेथ हम लोग कर रहे हैं। चूँकि हॉरर तो था कि चलो शुरू करते हैं, वो हमने किया, लेकिन इसके बाद जो है हम एकदम पॉलिटिकल और एक पारिवारिक दोनों को मिक्स करके एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है, उस पर तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा अभी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी फिल्म है, वो हमारी नेक्स्ट प्लानिंग है, और इस फिल्म के रिलीज़ होते ही हम उसका मुहूर्त करने जा रहे हैं मुंबई में।